हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। करंट अफेयर फंडा में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आरआरबी गोरखपुर और बहुत जगह से आ रही है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट और अभ्यर्थियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उनका जो है अभी तक पैनल नहीं आया है तो टेक्नीशियन वालों का, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि उन अभ्यर्थियों ने जो है अब आरआरबी के ऊपर जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उनका विरोध करना शुरू कर दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जितने भी लेटेस्ट अपडेट होती है आरआरबी के न्यूज़ के तरफ सबसे पहले आपको मिल सके। तो सुगाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सवाल है और स्टूडेंट ने पूछा है आरआरबी से कि अभी तक टेक्नीशियन का पैनल क्यों नहीं आया। ठीक है, ऐसा सुनने में ये भी आ रहा है कि आरआरबी जो एएलपी की जो वैकेंसी ऐसे डिक्रीज़ कर दिया गया है। ऐसे तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने ऐसा कहा है। ठीक है, कि एएलपी की वैकेंसी जो है डिक्रीज़ कर दी गई, ऐसी बात सुनने में आ रही है। सो इन सभी बातों को लेकर जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं उन्हें बहुत ही आक्रोश हो गया है, क्योंकि इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा आरआरबी की तरफ से। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल अपडेट जो एक न्यूज़पेपर में आया हुआ है उसमें देख लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, एक न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि टेक्नीशियन पैनल की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। ठीक है, जो पैनल की मांग को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है रेलवे के सामने जो प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, उनके विरुद्ध आंदोलन चालू करना शुरू कर दिए। ये लगभग पिछले एक दो दिनों से चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब बहुत ही आक्रोश होता जा रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है, ये जो न्यूज़पेपर में लिखा गया है गोरखपुर का है। ठीक है, ये देख सकते हैं गोरखपुर का है। ये ऐसे इसके अलावा भी और भी दूसरे आरआरबी वहाँ पर भी ऐसा होना चालू हो गया है। ठीक है, ये गोरखपुर की हम बात कर लेते हैं। ऐसा आप देख रहे हैं, गोरखपुर में पैनल के अभाव में अटकी पूर्वोत्तर रेलवे की टेक्नीशियन पद की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश सोमवार को फूट पड़ा। ये इसका लगभग कल से ही जितने भी अभ्यर्थी थे टेक्नीशियन वाले सब ने आरआरबी बोर्ड पर जाके प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। ठीक, अभ्यर्थियों ने कहा कि देश के सबसे बड़ी आरआरबी जारी कर चुके हैं। मैंने ऐसे जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे जितने भी आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड उन सभी मैक्सिमम जो बोर्ड कह सकते हैं कि सब ने अपना जो है एएलपी और टेक्नीशियन, ठीक है, दोनों का जो पैनल मैक्सिमम पैनल जो है अपना जारी कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी चालू हो चुकी है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने पैनल घोषित करने की मांग भी की कि जल्दी से जल्दी जो टेक्नीशियन की पैनल घोषित कर दी जाए, क्योंकि यहाँ चार चार पाँच पाँच महीने हो गए और अभी तक कोई टेक्नीशियन का पैनल ही नहीं आया हुआ है। ठीक है, तत्काल पैनल घोषित करने की मांग को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद महाप्रबंधक के सचिव से मिलकर व्यवस्था सुनाई। उनका कहना है कि देश के सभी आरआरबी ने अपना पैनल घोषित कर दिया, लेकिन ये यहाँ पर इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों इतना डिले हो रही है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो रेलवे में लगभग गोरखपुर में लगभग 1764 पद के लिए आवेदन किए गए, जिसमें 150 टेक्नीशियन अभी तक पैनल जारी किया गया। ठीक है, लगभग 1764, ठीक है, ये टेक्नीशियन पे जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी गोरखपुर में थी, इसमें से सिर्फ ओनली 150 अभ्यर्थियों का जो है उनका ही पैनल घोषित कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं आईटी, कितने टेक्नीशियन वाले जिनका अभी तक पैनल नहीं आया हो, तो उन सभी विद्यार्थियों में इनका बहुत बड़ा आक्रोश उनके ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय रेलवे ने जनवरी 2018 में वैकेंसी निकाली थी। ठीक है, और इससे में लगभग टेक्नीशियन के लिए 1764 वैकेंसी थी और लोको पायलट के लिए लगभग 1377 वैकेंसी थी। ठीक है, बाद में जो वैकेंसी थी 1680 हो गई थी। ठीक है, ये लगभग आप देख सकते हैं 1377 वैकेंसी थी, इसका तो पैनल आ चुका है, लगभग इतने जो सीटें फिल हो चुकी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो 1680 वैकेंसी थी और 1377 का जो नाम आ चुका है, इसके बीच में जो जितने सीटें बची है उन सीटों को हटा दिया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एएलपी की जो सीटें हैं डिक्रीज़ की गई। ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन सिर्फ जो उच्च अधिकारी होते हैं रेलवे के उनका कहना है। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, और ऐसा यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी कहा, इन अभ्यर्थियों ने कहा कि लोको पायलट के जितने भी अभ्यर्थी थे सबका टेक्नीशियन की जो सीटें पूरी, मतलब उनका पूरा पैनल आ चुका है और उनका घोषित भी हो चुका है। ठीक है, जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मेडिकल और की जाँच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उनका यह भी कहना है कि लगभग 150 टेक्नीशियन की पैनल ही जारी हुए, लेकिन इसमें अभी
पारदर्शिता का अभाव है, कम अंक वाले को पैनल घोषित हुए हैं लेकिन अधिक अंक वालों का नहीं हुआ। ठीक है, इनका यह भी कहना है कि जो 1700 जो आपको 64 वैकेंसी थी इसमें लगभग 150 स्टूडेंट का नाम है, लेकिन जो उन 150 स्टूडेंट का नाम है ना उसमें लगभग जो इसमें 150 वाले में जिनका मार्क्स कम है ना उनका तो नाम आ चुका है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मार्क्स है उनका अभी तक नाम नहीं आया है। तो इन सब कारणों से भी जो है उन अभ्यर्थियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ साफ साफ ये लोग कह न्यूज़ पेपर में कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से जल्दी जो है जो चयनित उम्मीदवार है उनका पैनल जारी कर दिया जाए। ठीक है, उन्हें जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर दिया जाए और उनकी ट्रेनिंग चालू किया जाए, क्योंकि ये वैकेंसी 2018 की है, 2018 की वैकेंसी थी, 2019 ख़त्म हो गई, 2020 चालू होने वाली है। लगभग आप समझ सकते हैं कि दो साल समझ सकते हैं कि एक वैकेंसी को रेलवे को 2 साल लग रहे हैं पूरा करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी कुछ RRB है। ठीक है, जैसे अगर RRB की बात कर ले, एक गोरखपुर हो गया इसमें भी बहुत डिले हो रहा है, सिकंदराबाद की बात कर ले, सिकंदराबाद में भी बहुत देर हो गई पैनल आए हुए, वहाँ पर भी पैनल नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ RRB है जो कि बहुत डिले कर रहे हैं पैनल देने में, जिससे अभ्यर्थियों का जो सब्र का बांध टूटता जा रहा है, अब वो आक्रोश होते जा रहे हैं और आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो हम उनको पूरी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि इतने 4-4, 5-5 महीने तक कोई पैनल इतनी टाइम नहीं ले सकती है, क्योंकि इनका और कितने टाइम लेंगे, 4-5 महीने होंगे अभी तक 150 टेक्नीशियन के पैनल आए थे, बहुत बुरी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप ये पूरी अगर पूरे स्टूडेंट जो है अगर सब साथ मिलकर अगर सपोर्ट करें तो हो सकता है कि RRB जो है जितनी जल्दी से उतनी जल्दी पैनल देना चालू कर दे और जो जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं पैनल में उनका नाम जारी हो जाए। सो गाइस, ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी RRB गोरखपुर की तरफ से। ऐसा हो सकता है कि कल ये सिकंदराबाद में भी चालू हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत जगह RRB है जहाँ पर अभी तक पैनल नहीं आ रहे। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की जितने भी लेटेस्ट अपडेट आती है रेलवे की, ठीक, रेलवे की कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज़ आती है सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।